Hey guys, welcome back to my channel. तो चलिए सबसे पहले मेरे कुछ मनी प्लांट्स देख लेते हैं, तो जिसे हम पोथोस भी कहते हैं। तो ये रहा मेरे एक मनी प्लांट। अब देख सकते हैं कितने सारे रूट, शूट्स और लीव्स निकले हुए हैं, और इसके लीव्स कितने लश ग्रीन, और आप एक बार साइज देख सकते हैं लीफ का। ये गोल्डन पोथोस है, और यहाँ पे एक और है, ये देखिए कितना बुशी प्लांट है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि मनी प्लांट को बुशी कैसे करना है। तो ये छोटा सा कटिंग था जिसे मैंने पानी में ग्रो किया है, और लगभग एक महीने में आप देख सकते हैं इसका रूटिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसे ट्रांसप्लांट कर लेते हैं सॉयल में, और क्योंकि मैं इसे पानी से डायरेक्ट सॉयल में ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, इसलिए मैं मिट्टी का यूज़ नहीं करूँगी। मैं कोको पीट और लीफ कंपोस्ट का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वाटर प्रोपेगेशन से डायरेक्ट अगर मैं मिट्टी में लगाती हूँ तो रूट खराब हो जाते हैं। तो आप भी ये ध्यान में रखिए कि कटिंग्स को पहले कोकोपीट में ग्रो कीजिए, फिर एक दो महीने बाद इसे मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैं इस कटिंग को अब कोकोपीट में ही ग्रो करने वाली हूँ, और दो महीने बाद आपको इसका रिजल्ट भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि इसमें होममेड फर्टिलाइज़र मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले राइस और दाल को पानी में 15 टू 20 मिनट्स सोक कर लीजिए, फिर अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। फिर इसी राइस वाटर को आप किसी भी प्लांट में रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप राइस को 15 मिनट्स पानी में बॉयल करके फिर ठंडा करके फिर उसे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। राइस वाटर कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, जिसे हम NPK फर्टिलाइजर कहते हैं, एंड सम मिनरल्स फॉर प्लांट। राइस वाटर प्रोमोट्स गुड बैक्टीरिया पॉपुलेशन, एंड इट्स प्रूवन दैट रेगुलर यूज ऑफ राइस वाटर रिजल्ट्स इन हेल्दी प्लांट ग्रोथ। राइस और दाल सोक्ड वाटर में पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी लीव्स। मैं अपनी प्लांट्स में राइस वाटर रेगुलर यूज़ करती हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी और लश ग्रीन है। और ये रहे वो छोटू सा कटिंग जो मैंने कोकोपीट में ग्रो किया था। लगभग दो महीने बाद आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं। राइस वाटर में प्लांट्स का, स्पेशली पोथोस का, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ आपको लाइट एक्सपोजर में भी ध्यान देना पड़ेगा, एकदम इंडोर मतलब एकदम घर के अंदर मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते। आपको इसे खिड़की के पास, जहाँ पे सनलाइट और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आता है, ऐसे जगह आपको मनी प्लांट को रखना है। और अब इस प्लांट की हर एक नोड से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे बताना नेक्स्ट कौन सी प्लांट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए।